और दोस्तों आज हम मटका चिकन बनाएंगे। उसके लिए एक पैन लेंगे। अब उस पैन में दालचीनी डालेंगे, फिर थोड़ी इलायची डाल देंगे, फिर उसमें थोड़ी सी लौंग डालेंगे और बाद में एक चम्मच के आसपास अजवाइन डाल देंगे और डेढ़ चम्मच के आसपास जीरा डालेंगे और डेढ़ चम्मच के आसपास धनिया डालेंगे। इस खड़े मसाले को हमें रोस्ट करना है। बाद में हम धनिया पत्ती को बारीक काट लेंगे। जितनी क्वांटिटी देखा ये उतनी क्वांटिटी को हमें लेना है और उसको बारीक काट लेना है, महीम करना है और उसको हम अब साइड में कर लेंगे। अब हम स्प्रिंग अनियन लेंगे, उसको भी हम बारीक काट लेंगे। अब हम शकरकंद लेंगे, उसके मीडियम टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद हम बैंगनी रतालू लेंगे, उसको छील के उसके भी टुकड़े मीडियम कर लेंगे। फिर बाद में हम रतालू लेंगे, उसके भी मीडियम टुकड़े कर लेने हैं। और अब खड़े मसाले को कूट लेंगे अच्छी तरह से, बारीक कूटना है उसको। अब एक बर्तन में हम छोटे वाले जो बैंगन थे वो लेंगे, फिर छोटे टमाटर, छोटे आलू और छोटे प्याज ले लेंगे। फिर उसमें हम पापड़ी डालेंगे। उसके बाद हम छोटी वाली जो हरी मिर्च आती है, जो तीखी होती है, वो डालेंगे। फिर उसके बाद हम करी पत्ते डाल देंगे। अब उसमें सब रतालू और शकरकंद डाल देंगे जो हमने काटे थे। दो से तीन चम्मच घी डालेंगे उसके बाद हम जो मिश्रण था धनिया पत्ती और स्प्रिंग अनियन का वो उसमें मिक्स कर लेंगे। उसे मिक्स करना है उसको और कुटे हुए मसाले को उसको भी हमें इसमें मिक्स कर लेना है। और स्वाद अनुसार नमक डालना है बाद में। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। बाद में हम मटर मिल्क डालेंगे, को छाछ बोलते हैं। और अब हम एक पूरा मुर्गा लेंगे, उसको बीच में से काट लेंगे और उसकी कलेजी जो है उसको बाहर निकाल लेंगे काट के। और साइड में भी थोड़ी कट लगा लेंगे जिससे मटके में अच्छी तरह से वो चला जाए। उसका पानी निकाल लेना है
अब उस पे हम कुटी हुई काली मिर्च और नमक का मिश्रण लगा लेंगे मुर्गे पे। और अब हम हमें कलेजी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सीने में वापस फिल करना है। उसके पूरे मुर्गे के आसपास हमें अब काली मिर्च और नमक का मिश्रण लगा लेना है अच्छी तरह से। और अब सब वेजिटेबल्स हम मटके में डालेंगे और ये पूरा मुर्गा इस तरह से हमें मटके में डालना है। ये पूरा मुर्गा अंदर चला गया, देख लीजिए ऐसे। अब जो बची हुई सब्जियां है मिश्रण सब्जियों का, वो हम पूरा उसके ऊपर मुर्गे के ऊपर डाल देंगे। सब सब्जियां हमने डाल दी है। अब हमें एक लोई बनानी है जिसको हम इंग्लिश में डो बोलते हैं। ये लोई को अब हमें मटके के मुंह के आसपास लगाना है, जिससे हम दम बिरयानी बनाते सेम मेथड से हमने इसको भी बनाना है, इसको भी करना है। उसके मुंह को हमको लोई से सील करना है ऐसे। अब इसके ऊपर दूसरा बर्तन ऐसे लगाएंगे जो पूरे से अच्छी तरह से सील हो जाइए। अच्छे से दबाना है प्रेशर करके, और आसपास के लोई भी अच्छे से लगा लेना है उसको, जिससे हवा बाहर ना निकले। अब हम इसको आग पे रखेंगे और उसके आसपास हम आग जला लेंगे अच्छे से। ध्यान रखिएगा आग जलाते समय, ये आग जल गई है हमारी। अब इसको हम 3 घंटे तक पकने देंगे। अब 3 घंटे के बाद हम इसको वहाँ से ले लेंगे। ये थोड़ा गर्म होगा, ध्यान रखिएगा आप। अब इसको हम लुई को हटा लेंगे यहाँ से, जिससे हम उसका ऊपर का ढक्कन खोल सके। ध्यान से करिएगा, ये गर्म होगा इसलिए। अब हम खोल रहे हैं। ओके, पूरा अच्छे से पक गया है अंदर। अब हम इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। आप भी घर पे बनाइए और मुझे कमेंट और रिप्लाई कीजिए, और लाइक कीजिए मेरा वीडियो और शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।